हेलो भाई लोग, तो प्रीव्यू में जो आपने वीडियो देखा ये जोरो FFXX का वीडियो है जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जो 5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है और रिमिक्स पे 3000 से भी ज़्यादा लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं। सो अगर आप भी बनाओगे सो आप सभी वीडियो वायरल होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको इसको एडिटिंग सीखना पड़ेगा, तो इस वीडियो में आपको इसका एडिटिंग सिखा दूंगा और साथ में ट्रोलर फ्रेस का मटेरियल भी आपको दे दूंगा। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, अगर स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है, आप नहीं सीख पाओगे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आपको एडिटिंग सिखा देते हैं। तो भाई लोग, आपको इसको रिकॉर्ड करने के लिए सरकारी कस्टम पे दो भाड़े का बंदे को बुला लेना है और इस तरह से आपको वहाँ पे खड़े होने को कह देना है और आपको सिंपली जाना है और जाकर आपको यहाँ पे खाली खाली मोमेंट दिखाना है, थोड़ा सा एक्टिंग करना है मोमेंट का और इस तरह से खड़े होकर वन टैप मार देना है और फिर से आपको प्रो की तरह मोमेंट दिखाना है और फिर से आपको इस तरह से खड़े होकर अपने फ्रेंड को वन टैप मार देना है और आपको बस यहाँ पे इतना ही रिकॉर्ड कर लेना है। तो चलिए एडिटिंग पे। इसे एडिट करने के लिए आपको सिंपली कैपकट में आना है एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो हमने अभी रिकॉर्ड किया था सिंपली इसको अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो भाई लोग, यहाँ पे सिंपली आप इसको यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है एंड नीचे में आपको एक्सेप्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करके 9:16 इसका रेशियो कर देना है एंड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसको आप इस तरह से अच्छे से जूम कर लेना है, अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग जूम करना है एंड ऊपर एंड नीचे छोड़ देना है सब्सक्राइब लिखने के लिए। आप नहीं भी लिख सकते हो, अपने हिसाब में आप करना, ठीक है। और इस तरह से आप छोड़ के इस तरह से आप अपने फ्रेम में अपना कैरेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड इतना काम होने के बाद आपको जहाँ से हमारा यहाँ पे देख सकते हो दौड़ के आ रहा है और यहाँ से इस तरह से खड़ा हो गया फिर से दौड़ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा एंड पीछे का हिस्से को आप डिलीट कर देना एंड जहाँ से दौड़ के भाग रहा है एंड जहाँ से मोमेंट दिखा रहा है सिंपली आपको इस तरह से मोमेंट दिखा रहा है और यहाँ पे खड़ा होकर वन टैप मारने वाला है। तो सिंपली मैं थोड़ा पीछे आऊँगा और यहाँ पे एक स्प्लिट लगा दूंगा एंड उसके बाद फिर से थोड़ा पीछे आऊँगा और यहाँ पे जहाँ से वन टैप मार दिया है सिंपली मैं वहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे स्प्लिट लगाऊंगा और इसका पीछे का हिस्सा वो डिलीट कर दूंगा एंड फिर से आऊँगा एंड मोमेंट जब स्टार्ट कर दे और उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट में बार वन टैप मारने की कोशिश ऐसे खड़ा हो रहा है आपको वहीं पर ही लगा देने। तो यहाँ से खड़ा हो रहा है और एंगल शूट कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक स्प्लिट लगाना है एंड पीछे का हिस्सा को आप इस तरह से जैसे मार दिया वन टैप सिंपली आपको यहाँ पे एक स्प्लिट लगा के इसको आप इस तरह से डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ करना है जो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपको जो मोशन ब्लर ऐड करना है जिससे हमारा वीडियो यानी जो मोमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए आपको जिस पे अप्लाई करना है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा मोशन ब्लर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करके आपको यहाँ ब्लर को यहाँ पे आप 25 रख देना है, ठीक है, 25 रखना है एंड आपको यहाँ पे ब्लेंड को यहाँ पे 15 रख देना है और इसको आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप इसको बैक फॉरवर्ड कर देना है एंड इसको आप यहाँ ट्विस्ट कर देना है एंड क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई करा जाएगा और अप्लाई में आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम दे देना, 10 से 15 सेकंड लगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारा जैसे ही ब्लर ऐड हुआ यानी मोशन ब्लर ऐड हुआ तो इस तरह का हो चुका है। तो आप अपने सारे इसमें भी ऐड कर देना और यहाँ पे आप एक स्प्लिट मारना जैसे भाग क्या रहा है और यहाँ पे भी आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आप मोशन ब्लर ऐड कर देना एंड ऐड करने के बाद उसके बाद आपको सिंपली अपने वीडियो के ऊपर यानी लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है एडजस्ट पे और एडजस्ट पे जाके यहाँ पे आप एडजस्ट करना है। सो ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करना है 10 या 15 के अराउंड में एंड सेचुएशन को भी बढ़ाना है और ब्लरनेस को आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है और शार्पनर को फुल करना और इसके बाद हाईलाइट में चले जाना और हाईलाइट को भी फुल कर देना और शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ाना एंड टेम्परेचर को भी थोड़ा सा बढ़ा देना और इसके बाद आपको यहाँ पे इसे ठीक कर देना। और अगर यहाँ पे आपका लेयर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देना, जिससे अप्लाई ऑल हो जाएगा तो इस तरह का वीडियो बन जाएगा। एंड भाई उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एडजस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे एडजस्ट में जाना है एंड इसके बाद शार्पनर में आना है एंड शार्पनर को यहाँ पे आप 70 या 80 के अराउंड में रख देना है, टिक कर देना है एंड इसको आप यहाँ पे पूरा वीडियो में फैला देना है। एंड इतना काम होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है जहाँ से ये मार के खड़ा होता है और इस तरह से आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट आपको लेकर इसके ऊपर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके इसको आप इस तरह से यहाँ पे अच्छे से क्रॉप कर लेना है, इस तरह से क्रॉप करके यहाँ पे सेव कर लेना है और सेव करके आपको यहाँ से बैक
एंड बैक आकर सिंपली यहाँ पे आपको पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सिंपली पिक्सेल ऐप में आना है एंड यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट कर देना है एंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे उसी फोटो को ले लेना है जो भी हमने स्क्रीनशॉट करके क्रॉप किया है, तो इस तरह का है। और सिंपली आपको इसको बड़ा कर लेना है, जूम करके इस तरह से आप बड़ा कर लेना है। और बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रोल फेस ऐड करना है। तो भाई लोग यहाँ पे आप इस वाले ट्रोल फेस को ऐड करना है, तो इसके लिए आप ऊपर में क्लिक करके इसको पहले लॉक कर देना और इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप पहले छोटा कर लेना और इसको आप छोटा करके इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट करना है। और इसके बाद आपको फिर से ट्रोल फेस लेना है, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको और एक ट्रोल फेस वाला जो पीएनजी है इसको ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे जो ट्रोल फेस का मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के बोया में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। सिंपली वहाँ जाके आप कलेक्ट कर लेना और साथ में मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे इसको इस तरह से रख देना है एंड फिर से आप इसको क्लिक करना है एंड कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करके आपको फिर से इसको लेके आकर इस तरह से घुमा के और एक कैरेक्टर के मुँह के पास रख देना है। सो इसका मुंह नहीं दिख रहा है फिर भी आप इसके ऊपर रख देना है इस तरह से, और इस तरह से आप यहाँ पे रख देना है। और रख के आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके इसको अल्ट्रा कर देना है और यहाँ से आप सेव कर लेना है और इसको आप यहाँ पे इस तरह से सेव कर लेना है। तो भाई लोग इसको यहाँ पे सेव करने के बाद फिर से आपको कैपकट में आना है एंड प्लस में क्लिक करके उसी फोटो को आप ऐड कर लेना है जो हमने अभी वहाँ पे सेव किया था। तो ये वाला फोटो है, सिंपली आप इस पे ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है जिससे इस तरह से रल लगे और यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है, ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें अभी इफेक्ट लगाना है जिससे हमारा वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इफेक्ट लगाने के लिए हमें यहाँ जहाँ से हमारा जो यहाँ पर कैरेक्टर मूव कर रहा है सिंपली आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आके आपको यहाँ पे चले जाना है इफेक्ट के ऊपर एंड वीडियो इफेक्ट के ऊपर चले जाना है। एंड वीडियो इफेक्ट के ऊपर जाके आपको यहाँ पे शेक वाला इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सो शेक वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड फिर से इसके ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ पे जो एडजस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, स्पीड एंड इंटेंसिटी का कमा देना है इस तरह से और हमारा वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा। और इसको आप अप्लाई पूरा यहाँ तक कर देना है जहाँ तक यहाँ तक, और यहाँ तक करने के बाद आपको फिर से यहाँ इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो इफेक्ट के ऊपर, और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है एंड नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिलेगा एस्ट्रल का। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड एस्ट्रल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसका स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड यहाँ पे आप टिक कर देना है और इसको भी आप यहाँ पे इस तरह से फुल कर देना है, पूरा यहाँ तक फुल कर देना है। और फुल करने के बाद फिर से आपको वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे वाइब्रेशन फ्लैश वाला इफेक्ट दे देना है और इसको आप यहाँ रख देना है एंड फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करना है और एडजस्ट आपको ऐसे रहने देना है एंड फिर से आप वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको फिर से शेक वाला इफेक्ट देना है और शेक वाला इफेक्ट दे देना है और इसको आप यहाँ पे इतना ही इंटेंसिटी रहने देना है और टिक कर देना है और इसको आप यहाँ पे और थोड़ा फ्लैश वाला इफेक्ट को थोड़ा पीछे रखना है एंड फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करना है ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देना है। सो जो भी आपको ट्रांजेक्शन अच्छा लगे आपको यहाँ पे दे सकते हो। सो मैं शेक वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे देता हूँ और हमारा वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो शेक के ऊपर क्लिक करके आपको इसको थोड़ा सा कमा देना है जिससे थोड़ा सा बेटर लगेगा और फ्लैश वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है इस तरह से। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा वीडियो जो बन चुका है, बस आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब वाला बटन यानी लिख देना है, सो आपका वीडियो बन जाएगा। सो यहाँ का म्यूजिक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाए कलेक्ट कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। तो चलिए आप ऐसे एक्सपोर्ट करके आपको दिखाते हैं, सारे फुल कर देना एंड आपको अपने हिसाब में इसको बढ़ा देना एंड यहाँ पे आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो चलिए आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, बट उससे पहले अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरह का वीडियो के लिए, और कमेंट में जरूर बता देना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट का मजे लो।